अरे यहाँ नहीं क्या यार अम्मा, ये मकान सबसे खूबसूरत है हमारे मंडाल बाखली में, बहुत अच्छा दिखता है ना। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे बनाया, कहाँ मतलब कैसे? अरे लाल किला पर दरवाजा उतार लिया मिलती। अच्छा, लाल किला से देख सकते हो दोस्तों, ये दरवाजा देख सकते हो आप सामने इस साइड, ये दरवाजा हमारे गांव का है कहते। और ये हमारे मंडाल, हमारे कत्तूर देवता जी का मंदिर भी यही है, जिसने बनाया वाले हमारे गांव का है। और जिसने बनाया है ये भी हमारे गांव का है। और आपको दिखाते हैं आगे का फ्रंट व्यू मकान, आगे। सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह की 8 बजे से। और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ माता रानी आपके जीवन में सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और आज जैसे कि नवरात्रि का प्रथम दिवस है और माँ शैलपुत्री की आज पूजा होती है, और इसी के साथ हम अभी थोड़ी देर में निकलते हैं अपने माई थान के मंदिर की ओर और मैया के मंदिर की ओर। और वहाँ सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है रिखाड़ी परिवार की ओर से, शायद इतना पता थोड़े बहुत जानकारी है मुझे भी। और इसी के साथ हम ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे पहले हम आपको आगे का फ्रंट व्यू दिखाते हैं, कैसे चारों तरफ मौसम और सुहाना हो रखा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपने घर के आगे का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीक़े से। और सामने चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद तैयारियों के साथ मंदिर की ओर। तो दोस्तों, विभिन्न तैयारियों के साथ हम निकले अब मंदिर की ओर और मैं करता हूँ घर से प्रस्थान और मिलते हैं आपको आधे रास्ते में या ब्रेक के बाद। तब तक के लिए वीडियो बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। और इसी के साथ ये सामने फ्रंट में देख सकते हो ये हमारी मंडाल बाखली। और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सीधे मंदिर की ओर। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने मंडाल बाखली में और ये देख सकते हो हमारे कत्तूर देवताओं जी का मंदिर। और ये देख सकते हो मंडाल बाखली का सबसे खूबसूरत घर, देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पर हमारी अम्मा बैठी हुई है। और अम्मा जी और बताइए, सब बढ़िया? बढ़िया हो रहा, तबीयत पानी ठीक है? ठीक है, बुढ़ापुर से हूँ। और हमारा नकुल भाई आ रहा है उधर से, मंदिर चल रहा है? मंदिर अभी आ रहा है। और अभी यहाँ क्या यार अम्मा, ये मकान सबसे खूबसूरत है हमारे मंडाल बाखली में, बहुत अच्छा दिखता है ना। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता सकते हो आप, कैसे बनाया, कहाँ मतलब कैसे? लाल किला पर दरवाजा उतार लिया मिलती। अच्छा, लाल किला से देख सकते हो दोस्तों, ये दरवाजा देख सकते हो आप सामने इस साइड, ये दरवाजा हमारे गांव का है कहते। और ये हमारे मंडाल, हमारे कत्तूर देवता जी का मंदिर भी यही है, जिसने बनाया वाले हमारे गांव का है। और जिसने बनाया है ये भी हमारे गांव का है। और आपको दिखाते हैं आगे का फ्रंट व्यू मकान का, कितना खूबसूरत है देख सकते हो। और दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है हमारे आगे का फ्रंट व्यू मंदिर का। ये देख सकते हो मेन दरवाजा, लाल किला से इसको मंगाया गया था या इसका उतारा गया था। लाल किला पर हमारा मिस्त्री उतार लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको अपने कत्तूर देवता जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, उसके पश्चात दीप जलाते हैं। जय हो कत्तूर देवता। और हमने बत्ती वगैरह जला ली है और उसके पश्चात अब दोस्तों हमने मंदिर में पूजा पाठ कर ली है और उसके पश्चात हम अपने माई थान के मंदिर में चलते हैं और मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहें हमारे ब्लॉग में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं अपने प्राचीन नहले की तरफ सबसे पहले। और ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर और किस तरीके से देख सकते हो रास्ते बनाए गए हैं पत्थरों को काट कर। और ये हमारा प्राचीन नहला,
नौले में भी पत्थरों के अलग अलग डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये देख सकते हो पिलर कितने प्यारे लग रहे हैं, गोल आकार में इनको आकृति दी गई है। और सबसे पहले हम जल भर लेंगे, उसके पश्चात मंदिर की तरफ। और नौला हमारा हमेशा भरा रहता है और भगवान विष्णु की कृपा यहाँ हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण ये नौला हमेशा भरा रहता है। और इसी के साथ देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया हमारा नौले की डिज़ाइन, देख सकते हो पत्थरों की आकृति देख सकते हो। और श्री हरि नारायण विष्णु हमारे साक्षात आगे विराजमान बैठे हुए हैं सिंहासन पर। और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं भर लेता हूँ सबसे पहले पानी और उसके पश्चात चलते हैं मंदिर की तरफ। हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती के मंदिर और कुछ इस तरीके से एकांत में हमारी भगवती माता जी का मंदिर और मैया का मंदिर। और बाबा जी भी यहाँ पर सफाई चल रही है बाबा जी की, और देख सकते हो बाबा जी ने पूरा चमका दिया यहाँ आज। इतने सारे पत्ते देख सकते हो, पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हमारे शंभू बाबा जी अभी भी लगे हुए हैं सफाई करने पर। और सबसे पहले हम दीप जला लेते हैं, उसके पश्चात बाबा जी की थोड़ी बहुत हेल्प कर लेंगे। और इसी के साथ वीडियो में बने रहिए, हम ले चलते हैं आपको माता के दर्शन कराने अंदर। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम आपको माता जी के दर्शन करा रहे हैं मैया के। हमारी मैया यहाँ पर साक्षात विराजमान है। जय माता दी। दोस्तों हम पहुँच चुके अपनी माता रानी जी के मंदिर में और सबसे पहले मैं दीप जला लेता हूँ, उसके बाद आपको मंदिर की चारों तरफ की परिक्रमा और शेयर कराऊंगा। उसी तरह वीडियो में बने रहिए। और सुंदरकांड स्टार्ट होने जा रहे हैं कुछ ही देर में। चंद्र की जय, हनुमान की जय, पीपल कोटी मैया की जय, पीपल कोटी मैया की जय, की जय। स्वामी जगदीश्वरम शुरु गुरु माया मनुष्य मरी
वंदे अहम करुणाकरं रघुवर भूचाल चूड़ामणिं नान्या सप्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भावनानिखिलान्तरं भक्ति पर्यच्छम रघुपुंगवम निर्वरामे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हैम सर्वावधेयम तनुज मौन कृशान ज्ञानी नाम संग्रह निधान वन रामण देशम रघुपति प्रिय भक्त मात जत नमामि श्यापति राम चंद्र की जय। कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होय सहारे पंत के वचन सुनाए सुनि हनुमंत तब लगी मोही परिखे मनाई सही दुख फल खाई जब लगी आवो शीत देखी होए काजू चले हनुमंता चले रघुपति कर बाना एहि भांति करो हनुमाना रघुपति विचार करो ना भाई ते अवसर रावण तहि रावा चलाए बहु मन समझु कहित जान की खल सुधि नहीं रघुवीर बान की विशाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मत भायहु चाहत
लतामती दास कुल गायो सुख भवन संतय समन दवन सादर गोपति गुण तजि सकल आस भरोस गवहि सुनति संतन सठ मना जपत कमल कुमार सुर नर मुनि जन होय तुम्हारे संगायको रघुनायक गुण गानो सादर सुनते भय उन जान सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम तेरी गुरु सर्व दरो रजन निज मन मुकुट सुधारी भय रघुवर विमल जसु जो दायक फलदारी वो देन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि त्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार पवन तन संकट हरना मंगल मूरति रूप राम लखन सीताय बसहु सुमर रूप सिया पर राम जय जय प्रभु राम जय जय राम। और इसी के साथ हम चलते हैं घर को और मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।